फिर से आ गए रे बाबा इधर से। मैं नहीं जाऊंगा। Don't let me leave, Murph! No! तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से। अभी हम जिंदा हैं। मैं पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरे मेरे पबजी लाइट वाले भाई, तो कैसे यार आप सभी लोग, तो कैसा चुका मैं एक और वीडियो लेके। आप भाई अभी के टाइम में अपडेट का इंतजार कर रहे हो जिससे भाई अपने पबजी लाइट का भाई कम बैक हो जाए। एंड गाइस देखो इस वाले अपडेट भाई सबकी निगाहें, क्योंकि भाई ये अपडेट भाई बहुत ज़्यादा खास हो सकता है। जिस तरह से भाई पबजी लाइट वाले ने यह तारीख तो बताई थी भाई जुलाई के दूसरे हफ्ते तक भाई अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बंदों को भाई इंतजार नहीं हो रहा। भाई बीटा वर्जन का अपडेट तो जल्दी से आ जाना चाहिए। हाँ तुम्हारी बात सही है भाई, बीटा वर्जन का अपडेट तो पहले जल्दी से देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हें भी पता भाई बीटा टेस्टिंग भाई बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता कभी कभी। पहले तो भाई 7-8 दिन लेता था, बट इस टाइम पे भाई डबल लेता तो मतलब 15 से 20 दिन तो ले लेता। पिछली बार भी भाई 15 दिन लिए थे, जो है बंदे परेशान हो गए थे। भाई बीटा वर्जन में अपडेट आ चुका भाई, ग्लोबल कब आएगा, तो यही परेशानी भाई। अभी तक भाई बीटा वर्जन का अपडेट तो देखने को मिल जाना चाहिए था, जिससे भाई ग्लोबल की तो हम आस उम्मीद कर सकते हैं। बट देखो भाई लोग बंदे अभी के टाइम में पबजी लाइट को नहीं खेल रहे, तो भाई वो बीटा वर्जन टेस्टिंग करके चेक कर सकते थे भाई क्या क्या ठीक हुआ और क्या नहीं। देखो भाई लोग बीटा वर्जन में कुछ भी दिखा देगा, बट जब ये ग्लोबल आएगा ना तभी उसमें पूरा पता लगेगा भाई क्या ठीक हो सकता है या फिर क्या नहीं होगा। तो भाई लोग अभी भाई आप अपडेट का इंतजार कर रहे हो मुझे पता है। एंड गाइस देखो भाई क्या करें, ये गेम एक नॉर्मल गेम रहता तो भाई हम भी छोड़ देते, या शायद मैं भी छोड़ देता इस गेम को, बट हमारी इस गेम से भाई पुरानी यादें हैं, तो भाई हम वो डिलीट नहीं कर सकते अपनी मेमोरीज। मतलब पबजी लाइट में आप कब से भाई खेलते हो आ रहे हो मुझे गाइस कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो भाई 2019 अगस्त से भाई खेलते हुए आ रहा, तो भाई 5 साल भाई पूरे कंप्लीट होने के आगे अभी तक भी भाई मैं इस गेम में भाई टिका हुआ हूँ। 1 साल बाद ही ये गेम बैन हो गया था जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना। तो भाई ये गेम इतना अच्छा लगा कि भाई मैंने भाई पबजी को भी उस टाइम पर छोड़ दिया था, और बीजीएमआई भी तुम्हें पता भाई मैं अभी भी नहीं खेलता बीजीएमआई, बस ओनली पबजी लाइट ही खेलता हूँ। जितना टाइम मिल पाता उतने में भाई पबजी लाइट हो पाता, क्योंकि भाई गेम में अभी के टाइम में हैकर भर भर के आते हैं। जितना भाई मैं गेम प्ले निकालने में टाइम लगा था भाई 2 घंटे तो लग ही जाते भाई एक गेम प्ले निकालने में, बहुत ज़्यादा गेम प्ले बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि भाई तुम्हें पता भाई गेम में स्पीड तरह के हैकर, उड़ने वाले हैकर, हर तरह के हैकर आते हैं, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। आप अपडेट का इंतजार कर रहे हो तो भाई थोड़े दिन और रुकिए, जुलाई हमारी नज़दीक है, तो भाई उसी टाइम पर आपको पता लग जाएगा। तो भाई लोग मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले लेके आ चुका, उस वाली गेम प्ले भाई लोग लास्ट तक जरूर देख के जाना। उस वाली गेम की भाई मतलब कुछ भी भाई मेमोरीज डिलीट नहीं होगी भाई, हम इसी गेम के साथ हैं। तो भाई लोग मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड और आ जा चुका ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो भाई जल्दी से पहले अपनी लूट ही कंप्लीट कर लेता। यहाँ पर भाई मेरे को M60 तो मिली जाती है, और सामने वाली घर की तरफ भाई बंदे भी आए होते हैं, तो भाई चलो देख लेते हैं उनको। मैंने भाई सामने की तरफ 2 बंदों को नॉक कर दिया था, और मेरे को लग रहा था इनके पास अच्छी खासी लूट अभी के टाइम पर नहीं है, तो भाई अभी निपटा देते हैं। तो बस देखो
और इसी के साथ ये वाली टीम तो हो जाती है खत्म। तो भाई जल्दी से इनके पेटियों में से लूट उठा लेता, अच्छे खासे लूट तो नहीं मिलते बट भाई फर्स्ट एड तो मिल ही जाती है। तो भाई जल्दी से पहले अपने हीलिंग कंप्लीट करता, यहाँ पे कुछ बोर्ड दिखते हैं मेरे को, तो भाई पहले इन्हें निपटा लेता। तो चलो भाई बोटो को तो निपटा लिया। अब सामने तरह एक बंदा भी फायर कर रहा होता जो भाई भाईजान चला रहा होता, मैं उसी का इंतजार कर रहा था कब भाई वो आ गया है। तो बस देखो चलो भाई इधर तो सबकी पेटियों में दो उठा दिया। तो भाई चलते और रियल बंदों को ढूंढने, आगे जाके भाई मेरे को एक के भाई ऑटो गन अच्छी तो भाई मिली जाती है। तो भाई चलो चलते हैं बंदों को ढूंढने। तो भाई जल्दी से उठा था गाड़ी, मैं निकला था और बंदों को ढूंढने, और बंदों को ढूंढता था भाई सेंटर रोड की तरफ। सामने वाली घर में भाई मेरे को एक बंदा दिखता, तो भाई पहले इसे निपटाने आ जाता। उस वाले बंदे के पास भी भाई शॉट गन होती है, तो बस देखो। और इस बंदे ने भाई क्या है शॉट गन चिपकाए, मेरे को लगा था ये भाई मेरे पे आ सकता, तो भाई जल्दी से पीछे भाग के भाई अपनी हीलिंग कंप्लीट करने आ जाता हूँ। और ये बंदा भाई रेड जोन से नॉक हुआ रहा था, तो भाई इसका तो किल उठा लेता। अब बंदा बच रहा था इस वाली घर में, तो भाई चलो इसको भी देख लेते हैं। और चलो भाई इसको भी नॉक कर दिया। तो भाई जल्दी से पहले अपने हीलिंग कंप्लीट करता, और ये वाला बंदा भाई हैकर होता तो बस देखो। और चलो भाई इसकी पेटी में तो दो उठा दिया, इसकी पेटी भाई अच्छी खासी लोड भी मिल जाती है। कुछ बंदे भाई स्टेडियम की तरफ फायर कर रहे होता, तो भाई जल्दी से मैं आ जाता भाई थर्ड पार्टी करने, तो बस देखो। और स्टेडियम का बोर्ड भाई लास्ट के बंदे का भाई किल उठा लेता। स्टेडियम में और भी बंदे होते हैं, और ये बंदा पता नहीं भाई किधर से आता है, इसकी तो पेटी भाई कैसे भी करके बना ही देता। स्टेडियम में भाई और भी बंदे होते हैं, तो भाई चलो उनको देख लेते हैं पहले। अब इस बंदे को भाई मैंने डैमेज तो दिया, बट देखो भाई इसका टीममेट आ जाता भाई जोन के बाहर, और ये बंदा भाई गंदा वाला हैकर होता, तो बस देखो। और ये स्पीड हैकर आकर भाई पूरा गेम प्ले बर्बाद कर देता। तो भाई लोग ये आज का गेम प्ले पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भाई करके जरूर जाना। तो गाइस मैं मिलता आपको नई गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।